अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली। कबीरधाम जिला के पनरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति कोदवा गुड़ान में वनोपज संग्रहण करने वाले संग्राहकों के वनोपज को सहकारी दर पर नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वनोपज संग्राहक हाट बाजार में बेचने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत तेलिया पानी के ग्राम झूमर, जामुन टोला, अजवाइन बा, तीन गढ़ के ग्रामीणों के द्वारा चार संग्रह किया गया है, लेकिन प्रबंधक यदुनंदन पांडे के इस ओर ध्यान नहीं देने की वजह से पहाड़ी में बसे इस ग्राम के लोग पंडरी पानी बाजार, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां ले जाकर चार की बिक्री कर रहे हैं। अभी चार टोरे है तो चार लग खरीदे नहीं आवा का नहीं आवा बाजार में लेके बेच देते ना, खंडा में बदल देते ना, कुछ नहीं बेच देते चार में। मतलब कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी चार खरीदे पर नहीं आए? कोई नहीं आया। शासन के द्वारा यदि यहाँ चार खरीदी किया जाता तो हितग्राहियों को तो लाभ होता ही, उसके साथ में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति को भी आंशिक लाभ होता। तो एक हर से तुम लोग कतेक घाटा पड़ते? सरकार में, सरकारी विभाग में 100 रुपया किलो में बिकते शायद, है न? और यहाँ 50-60 में 40 रुपया घाटा है। अब नहीं लेते हम, कौन जबरदस्ती है भाई, जाके कही तो नहीं, हम चार टोरियन भाई, हमार चार ले लेवा कोई। अब नहीं आवे हम कौन लगा बाजार में ले के ले ले चलता। अब यहाँ गांव में आके घल लेत हुई? हाँ, गाँव में घल के आते हैं, कठन मछली वछली धर के आते हैं, साग भाजी धर के आते हैं, धर के आते हैं, खा देते हैं। खरीदी करे लाती तब बेचते हो? खर में खरीदी करे खंडा धर के आती तब वो देते, नकदी पैसा भी देते हो? पैसा में भी देते देने आता थे ने लदाई देता। का तुहला पता है 100 रुपया किलो सरकारी दर है, एक किलो में 100 रुपया? हाँ। तो यहाँ 60 रुपया में बिकते, 50 रुपया 60 रुपया में, तो घाटा पड़ते कि पता नहीं है? नहीं है, हमरा पता से नहीं है। लेकिन प्रबंधक यदुनंदन पांडे के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ग्रामीणों को इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। नहीं तो यहाँ ना किसान रही से 10-12 किलो रही से तेन दिन बेच बांट देनो खंडा वाले ला रहे से तेन। तो का रेट में लेन है? अब 50 के रेट में तो लाई से। तो प्रबंधक मुंशी वगैरह मन नहीं खरीदी करे? नहीं खरीदे तो नहीं खरीदे। अब ऐसे आते हैं कि नहीं आवे? एक दिन आते हैं देखे ताके बर तहां ले नहीं आवे तो चार और खरीदे बर आवे च नहीं। चावल के बदला बदल था? हाँ, खंडा में बदल था ना, ही तीन गुणी दूनी ऐसे दे देता। साग सब्जी भी ले लेता? हाँ, साग सब्जी भी ले लेता ना ही माँ। भ्रष्ट प्रबंधक यदुनंदन पांडे के द्वारा इन गरीबों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासन के विचार से लघु वनोपज के उपज को खरीदने का केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन केंद्र में बैठे कर्मचारियों के द्वारा मनमानी रूप से काम करने की वजह से संग्रहणकर्ताओं को सही दाम नहीं मिल पा रहा। 2017 में तेंदू पान तोड़े रहे आप? हाँ। कतका? 500। ओखर पैसा कितना मिली? 600 के 600 पैसा, जबकि सरकारी रेट के हिसाब से आप लोग 2000 के आसपास पैसा मिलना रही, तो 600 मिली है ना? प्रबंधक आ रही से? प्रबंधक कोदवा के पहचान था जना? नाम पता है? घर में गए चुके हैं कई खेप ले इसे कई पहित गए होता दे इसके के बार में दे दी नहीं अब आके दे इस घर में आके दे तो बोले नहीं रहते कत की नक पैसा दे था महाराज मोला इसे क्या इसे तब के दे हूं चैसे के बोली से। प्रबंधक यदुनंदन पांडे है ना कोदवा वाले? हां। ए साल टोरबे कि नहीं टोरा? ए साल टोर ने चार टोरे है? छे साल टोरे हैं, हल्का थोड़ा बहुत। तो ओखर लेवाल कहां बेचता? चार लेवाल अब कहां, बाजार में लेबो? बाजार में बेचिए? बाजार में का रेट है? इसने लेते 50-60 रुपए इसने लेते। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति कोदवा गोड़ान के प्रबंधक या कोई शासकीय आदमी आके नहीं खरीदी करेगा? नहीं ले से अभी तो भाई, एक के साल तो इसके ले करी था तो छोड़ दे इसका। मजबूरन वे छत्तीसगढ़ के वनोपज को मध्य प्रदेश के हाट बाजार में ले जाकर बेचने को मजबूर है। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।